आज का जो लेक्चर है वो है, एक फायदा है या क्लैड इसको आप बोल रहे हैं, बड़ा सारा जो एक बड़ा सारा ग्रुप है उसको हम एक डाइसोजोआ के अंदर क्लासिफाई करते हैं। एक डाइसोजोआ वो तमाम के तमाम जानदार हैं जिनके ऊपर क्यूटिकल बनती है, एपिडर्मिस के बाहर वाली साइड पे क्यूटिकल बनती है। ठीक है, तो जो एक डाइसोजोआ या एक डाइसिस का मतलब ही वही कहते हैं कि गेटिंग आउट ऑफ द क्यूटिकल। ठीक है, यानी कि अपनी मोल्ड से बाहर आना। तो यहाँ पे भी इनके बॉडी के ऊपर भी क्यूटिकल बनती है, इसलिए ये जितने भी यहाँ पे जानदार शामिल हैं इसको हम एक डाइसोजोआ के अंदर इंक्लूड करेंगे। लेकिन जो हमारा आज का कंसर्न है वो है स्यूडोसिलोमेट्स। ठीक है, तो स्यूडोसिलोमेट्स के हवाले से सिर्फ मैं आज आपको बताऊंगा, ये पिछले लेक्चर का ही पार्ट 2 है। बाकी एक दो कुछ फाइलम है जैसे कि एक्टोप्रोक्टा है और ब्रेकियोजोआ है या ब्रायोजोआ है, उनको मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि कुछ एडिशंस के अंदर वो मौजूद हैं और कुछ के अंदर उनकी माइनर माइनर सा उनको हाईलाइट किया गया हुआ है, इसलिए उनको इंक्लूड करने की जरूरत है नहीं। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं डाइसोजोआ को। एक्टोजोआ का जो पहला मेंबर है नेमाटोडाइट, उनको राउंड वर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, और हम इनको देखें तो आप इनको थ्रेड लाइक इनकी बॉडी आपको मिलेगी और अबंडन बहुत ज्यादा है। अबंडेंस कहते हैं पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज पर यूनिट एरिया। ठीक है, उसको हम अबंडेंस बोलेंगे। तो उनकी अबंडेंस जो है वो काफी ज्यादा है। इनफैक्ट जो सोयल की फर्टिलिटी होती है दे प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन इट। अच्छा, अब इनके अंदर एक फिनोमेना हमें देखने को मिलता है नेमाटोडा के अंदर, वो है यूटेल। यूटेल ही कहते हैं एक इंडिविजुअल का एक खास नंबर ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ, यानी कि यहाँ पे जो आप देखते हैं नेमाटोड उसके अंदर 959 तमाम के तमाम मोटी सेल्स को काउंट किया जाए तो वो 959 उसके अंदर आपको सोमेटिक सेल्स मिलेंगे। इस फीचर को हम बोलते हैं यूटेली। और हम जायगोट से लेके एंड तक, यानी कि पूरा अडल्ट बनने तक, हर सेल की पोजीशन को, हर सेल जिस सेल से वो ओरिजिनेट होता है और वो आगे जो बनता है, जो सेल उससे डिराइव होते हैं, सबके फेट्स को मालूम कर सकते हैं और ये मालूम किए जा चुके हुए हैं। ठीक है, अच्छा, तो तकरीबन ये हर चीज खाने वाले जानदार है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को ये हर जगह से ये खा भी सकते हैं, जैसे कि बॉटल डॉल्वर्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स प्लांट्स वगैरह ये सबको ये खाते हैं। साइज इनका आपको माइक्रोस्कोपिक से लेके फ्यू सेवरल मीटर लंबे तक इनको आप देख सकते हैं। सेलिया नहीं है ये, इनका करेक्टर जो है वो आर्थ्रोपोड से मिलता जुलता है। ठीक है, सेलिया नहीं है, बाकी कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जैसे कि ब्रिस्टल्स हैं, स्पाइन्स हैं, ये आपको फीचर्स इनके अंदर मिल जाती हैं। आपको इनके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, बायलेटरल सिमेट्री है और वर्मी फॉर्म है। वर्मी फॉर्म का मतलब है कि ये वर्म की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और अनसेगमेंटेड है, कोई सेगमेंट नहीं बॉडी के अंदर मिलेगा। और स्यूडोसिलोमेट्स हैं ये, इसलिए हमने इसको शुरू किया है बिकॉज यार स्यूडोसिलोमेट्स। अच्छा, और राउंड आपको क्रॉस सेक्शन मिलेगा इसलिए इनको राउंड वर्म्स बोला जाता है। और कोलेजिनस क्यूटिकल मिलेगी इनके, यानी कि कोलेजिन की बनी हुई। डाइजेस्टिव ट्रैक इनका कंप्लीट है, उसके ऊपर सेंस ऑर्गन्स मौजूद हो सकते हैं जिन्हें हम एम्फिड्स और फैजमिड्स बोलते हैं, इनको देखेंगे आगे जाके। इनके अंदर हमें ना एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मिलते हैं, खास किस्म के सेल्स हैं वो रेनिटी सेल्स बोलते हैं इनको, और इनकी आपको डिफरेंट फॉर्म्स मिलती हैं रेनिटी सेल्स की, इनको भी हम देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं जिसकी वजह से ये इनकी अनड्यूलेटरी मूवमेंट्स होती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिससे ये इस तरह की हरकतें होती हैं इनके अंदर। अच्छा, अब स्ट्रक्चर और फंक्शन देख लें कि जो आउटर नॉन सेलुलर कोलेजिन इनकी बॉडी के बाहर पाई जाती है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इनके ऊपर क्यूटिकल मौजूद होती है। ठीक है, और क्यूटिकल ना सिर्फ इनकी एपिडर्मिस के बाहर वाली साइड पे मौजूद है,
बल्कि इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी आपको ये मिलेगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर भी आपको मिलती है। इसके अलावा इनकी आपको सरफेस के ऊपर स्पाइन्स, ब्रिस्टल, पेपिले, पेपिले जैसे कि ये ब्रिस्टल्स स्पाइन की तरह के हैं या थॉर्न थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे के सारे सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, क्यूमोरिसेप्शन के अंदर और टैक्टाइल मूवमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए काम आते हैं। थ्री प्राइमरी लेयर्स इनके अंदर, इनकी क्यूटिकल के अंदर आपको मिलती है, जो सबसे बाहर वाली है वो कॉर्टेक्स है, इनर मैट्रिक्स है और फिर बेसल लेयर आ जाती है। इसकी जो क्यूटिकल है क्योंकि हार्ड है और अपनी शेप को बरकरार रखती है, इसलिए इसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड मूव कर रहा है वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पे काम करता है। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन आपको पता है कि जो जिसके अंदर फ्लूइड जो है वो एज ए स्केलेटन काम करता है, जिस तरह गुब्बारा फ्रेश पड़ा हुआ है और उसके अंदर आप पानी भर दें या हवा भर दें, इट वर्क्स एज हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, या हवा की सूरत में वो एक एरोस्केलेटन बन जाता है। तो आपको इनके अंदर ये चूंकि ये इनकी क्यूटिकल है तो क्यूटिकल को उतार के ये नई क्यूटिकल अपने ऊपर चढ़ाते हैं, ठीक है, तो जिसको हम एक्टाइसिस बोलते हैं या मोल्टिंग बोलते हैं। तो ये अपनी पूरी लाइफ के अंदर जितने भी आप आगे पैरासिटिक वर्म्स देखेंगे, 4 times उनके अंदर टोटल मोल्टिंग होगी। अच्छा, एपिडर्मिस की बात करें तो वो सिंसिशियल है। सिंसिशियल ये चौथी पांचवी दफा लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, सिंसिशियल मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, यानी कि जो एपिडर्मिस है वो कंटिन्यूअस है और सिंसिशियल है, लेकिन इनके जो सेल्स हैं वो कॉर्ड की, जो न्यूक्लियस है सॉरी, वो कॉर्ड की फॉर्म के अंदर आपको चारों तरफ मिलेंगे, ठीक है, यानी कि एक ऊपर वाली सेंट्रल में और नीचे वेंट्रल साइड पे और 2 lateral साइड पे भी आपको ये मिल जाते हैं इनके जो बोलते हैं उसको न्यूक्लियस की लेयर, यानी कि न्यूक्लियस अरेंज होते हैं लाइन में और वो कॉर्ड लाइक लग रहे होते हैं, ऐसा करें जैसे कि रस्सी की अर्थ का स्ट्रक्चर है इनके अंदर। अच्छा, आपको मैं लोकोमोशन के बारे में बता चुका हूँ, क्योंकि सर्कुलर मसल्स नहीं होते इनकी वजह से, तो ये जिस तरह लूपिंग मूवमेंट्स होती हैं आपको जिस तरह उसके अंदर मिलती हैं कुछ लार्वा के अंदर, ठीक है, या फिर आप लीच की जो मूवमेंट है उस तरह की मूवमेंट्स इनके अंदर आपको नहीं मिलती, इस वजह से ये वो वाली मूवमेंट्स नहीं कर सकते क्योंकि सर्कुलर मसल्स इनके अंदर मौजूद नहीं होते। अच्छा, इनके ऊपर आपको सेंसरी ऑर्गन्स मिलते हैं एंटीरियर साइड पे भी और पोस्टीरियर साइड पे भी, दोनों तरफ आपको मिलेंगे। ये देखें आप, अच्छा ये देख सकते हैं आप इसको एनएस की तरफ, ये यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है एनएस के साथ, ये है फैस्मेट्स, और जो मुंह के पास मौजूद है इसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जी एम्फिड्स, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स डिप्रेशन हैं माउथ के पास और एनएस के पास, और ये क्यूमोरिसेप्शन के अंदर अपना काम करते हैं, ठीक है, मॉडिफाइड सीलिया एंड फंक्शन इन द क्यूमोरिसेप्शन। अच्छा, ये दोनों स्ट्रक्चर्स आ गए इनके। अच्छा, आप इसकी देखें तो गट इनकी कंप्लीट है, गट इनकी आपको कंप्लीट मिल रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इधर से माउथ से स्टार्ट हो रहा है इनका गट और ये दूसरी तरफ एनस पे जाके खत्म हो रहा है, कंप्लीट गट इनकी आपको मिल रही है। इसके अलावा आप इनका जो देख सकते हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलावा के बारे में इनको अलग से बताया हुआ है, वो देखते हैं इनको। हाँ जी, ये आप देखिए जरा, तो ये यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये मसल की लेयर है ये वाली। हाँ जी, ये जो कि ये मीजोडर्म है, ठीक है, ये मीजोडर्म है और ये दरमियान में जो आपको स्पेस नजर आ रही है इट इज सीडोसिलोम। सीडोसिलोम की अगर इस साइड पे भी गट के साथ भी मीजोडर्म होती तो ये ट्रू सिलोम होती, ठीक है, और इसको हम सिलोमेट बोलते हैं। लेकिन इसके एक साइड पे चूंकि मीजोडर्म है और
दूसरी साइड पे गट है तो दरमियान में सिलोमिक फ्लूइड है, ठीक है, तो इस सिलोम को हम बोलते हैं स्यूडो सिलोम बोलते हैं। और यहाँ पे आपको ये मसल्स मिल रहे हैं, और मसल्स के अलावा यहाँ पे ये इसकी एपिडर्मिस आ गई। और मसल्स आपको पता है जैसे कि ये किस ये मेसोडर्म से बने हुए होते हैं, ठीक है, मेसोडर्मली डिराइव्ड टिश्यूज हैं इसके। ये गट आपको मिल रही है इसके अंदर, ये आपको ये जो मिल रहे हैं ये है एक्सक्रीटरी कैनाल, इनके दो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं इनके, जो कि पूरी बॉडी के अंदर ये पैरेलल रन करते हैं, ठीक है। ये आप इसकी लेटरल साइड से देख रहे हैं कि ये एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो कि पूरी एक साइड पे जा रहा है, और ये है इसके एक्सक्रीटरी ग्लैंड, ठीक है। इनको हम रेनेटी भी बोलते हैं, और ये प्रोटोनेफ्रिकिया की ही एक टाइप है, क्योंकि स्पेशलाइज किस्म के सेल्स हैं जो कि सिलोम के अंदर से वो वेस्ट मटेरियल्स को इकट्ठा करते हैं और बॉडी के बाहर निकाल देते हैं थ्रू एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है। नर्व रिंग का भी आपको स्ट्रक्चर यहीं से, नर्व सिस्टम का भी आपको यहीं से क्लियर हो जाता है कि पोस्टीरियर टू फेरिंग्स, यानी कि फेरिंग्स के फौरन बाद ये एक स्ट्रक्चर है, ये हम बोलेंगे इसको नर्व रिंग बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें ये आपको डॉर्सल नर्व मिलती है और ये वेंट्रल नर्व है, ठीक है, यानी कि इस रिंग के अंदर से डॉर्सल और वेंट्रल साइड्स की तरफ रिंग्स निकलती है। और ये जो रिंग्स, ये जो नर्व हैं, ये आपस में भी कनेक्ट होती हैं कमिशर्स के जरिए से। कमिशर्स का कॉन्सेप्ट जब हमने प्लेनेरिया पढ़ा था उसके अंदर उसको बड़ा क्लियरली बताया गया हुआ। अच्छा, ये आपको मिलते हैं एक्वाटिक, ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये आपको एक्वाटिक फॉर्म्स के अंदर मिलते हैं, लेकिन जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन जो पैरासिटिक हैं, पैरासिटिक के अंदर रेनेटी ही चेंज हो जाते हैं एक और किस्म के स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि ट्यूब्यूलर हो जाता है, ट्यूब्यूल के अंदर वो एक्सटेंड हो जाता है और वो एक्सक्रीशन का ही काम करता है और एक्सक्रीटरी पोर के जरिए से अपनी मटेरियल्स को बाहर निकालता है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, सैक लाइक मैंने अपने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, बुक के अंदर ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है। और ये यहाँ पे ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है बुक की तरह। हाँ जी, इसकी सिलोम जो है वो स्पेशियस है, काफी खुली डुली है, उसकी वजह से ये एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पर काम कर रहा है। इसके अंदर जो भी फ्लूइड भरा हुआ है उसको एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पर हम देख सकते हैं। कार्निवोर्स भी हैं, हर्बीवोर्स भी हैं, ओमनीवोर्स भी हैं, सेप्रोप्स भी हैं, या सेप्रोफेज भी हैं इनके अंदर। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, हाँ जी, इनके अंदर चूंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी वो मौजूद नहीं है मसल्स, इस वजह से इनके बकल कैविटी के बैक साइड पे फेरिंक्स मौजूद है, तो बकल कैविटी से फूड मुंह में आता जाएगा और फिर फेरिंक्स पुश करेगा टूवर्ड्स द पोस्टीरियर एंड, फूड जो कुछ भी इसके अंदर मौजूद होगा उसको पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव करेगा, पुश करेगा, जिसकी वजह से फूड जो है वो मूव होता चले जाएगा आगे। अच्छा, इनकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया और यूरिया है, ठीक है, जैसे कि एक्वाटिक होंगे तो फिर ये अमोनिया आ जाएंगे और अदरवाइज ये लैंड की फॉर्म के अंदर ये प्रोड्यूस हो जाता है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देख लेते हैं, इनके ये हैं इनके फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये फीमेल को आप देखें तो इसका कॉन्वोल्यूटेड लॉन्ग सिलेंडर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल, ठीक है, ये ओवरी है और लॉन्ग कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है ये वाला, आप देख सकते हैं। और इसका जो दूसरा एंड है वो आगे से स्वेल हो जाता है, जो कि क्या बना रहा है, सेमिनल रिसेप्टेकल बना रहा है, और दोनों ओवरीज के सेमिनल रिसेप्टेकल एक ही जगह पे आके ओपन हो रहे हैं, ठीक है। यूट्रस जो है वो उसका आगे वाला एंड सेमिनल रिसेप्टेकल बना रहा है, और दोनों यूट्रस एक ही जगह पे इकट्ठे होके वजाइना का स्ट्रक्चर बना रहे हैं और बाहर की जानब ये खुल रहे हैं, जिसको हम जेनिटल पोर बोलते हैं। और ये पूरा ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा एक वर्म के बारे में बताया गया,
मेल को देखें तो मेल के अंदर एक टेस्टिस है, ठीक है, क्योंकि तो बॉडी के अंदर है तो इसलिए हम उसको टेस्टिस बोलेंगे। अच्छा, तो दूसरी साइड पे सेमिनल वेसिकल है, और इस ये एनस के पास जाके खत्म होता है, बल्कि सॉरी ये ओपन होता है जाके एनस के पास, ठीक है। तो यानी कि इसके हम एनस इरेक्टम को क्लोएका बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जेनिटल डाइजेस्टिव सिस्टम के तौर पे यूज हो रहा है दोनों के तौर पे, तो इसलिए हम उसको क्लोएका बोल रहे हैं, ठीक है। अब मेल के अंदर अगर आप देखें तो इसका जो पोस्टीरियर एंड है वो पॉइंटेड है और एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको हम बोलते हैं बुरसा, ठीक है। ये जेनिटल पोर के अंदर रिलीज करने का काम करता है ताकि स्पर्म जो है वो एग्स की तरफ जा सके और उनको फर्टिलाइज करने का काम कर सके। अच्छा, कुछ के अंदर ये बात होती है कि एग्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर ही रहते हैं और उनसे डायरेक्ट लार्वा प्रोड्यूस होते हैं, उनसे डायरेक्टली लार्वा प्रोड्यूस होते हैं। इस कंडीशन को हम बोलेंगे ओवोविवि पेरिटी, इस कंडीशन को हम ओवोविवि पेरिटी बोलते हैं। और बाकियों के अंदर ये है कि डायरेक्टली एग्स जो है वो एनवायरमेंट से रिलीज कर दिए जाएंगे और रिजल्ट जो है वो उनसे आगे फर्दर अडल्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। प्रोड्यूस इज द लार्वा स्टेज, और उसको कुछ पैरासाइटोलॉजी जो है वो जुवेनाइल स्टेजेस भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी आप वो देखें कि लार्वा स्टेज के अंदर फोर मोल्ड्स होंगे और फिर अडल्ट जो स्टेज है वो अटेन हुई है। हाँ जी, कुछ मोल्ड्स इनकी एग्स के अंदर भी हो जाती हैं, ठीक है, एक या दो मोल्ड्स एग्स के अंदर भी हो जाती हैं और इनको बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। इनके पांच पैरासिटिक वर्म्स के बारे में आपको डिटेल मिलती है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला ये एस्केरिस लुब्रिकेंट्स, एस्केरिस लुब्रिकेंट्स को मुख्तसर सा काम करते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करते। आप यहाँ पे देखें कि एग्स स्वेलो कर लिए गए हैं और बॉडी के अंदर आते ही उन्होंने फीसिस वो हैच हुए, और हैच होने के बाद उसने अडल्ट ने हैच होने के बाद उसने एग्स जो है वो रिलीज कर दिए एनवायरमेंट। तो अब यहाँ पे देखें कि एग्स जो है वो फीसिस के साथ ही रिलीज हो गए हैं, टू सेल स्टेज है, उसके बाद ये आगे इसकी फर्दर क्लीवेज होगी और एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो है वो सेकेंड स्टेज लार्वा इन्फेक्टिव स्टेज है। अब ये किसी तरीके से इंजेस्ट हो गया है, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर चला गया है, तो ये एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो है वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर चला गया। इंटेस्टाइन के अंदर जाते ही ये हमारी इंटेस्टाइन को उसके अंदर सुराख करके हमारे सर्कुलेशन के थ्रू हमारे लंग्स तक जाएगा और वहां से फिर ये ट्रिकिया के अंदर आ जाएगा क्रॉल करता हुआ, ठीक है। ट्रिकिया के अंदर आके हमारे दोबारा से इसको स्वेलो कर लिया जाएगा और वहां पे जाके इसका इसी तरह से लाइफ साइकिल चलता रहेगा। इसको ये है लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस लुब्रिकेंट्स। अच्छा, दूसरा है एंट्रोबियस वर्मिकुलारिस, एंट्रोबियस वर्मिकुलारिस जिसको पिन वर्म भी बोलते हैं, ठीक है, काफी कॉमन है हमारे हाउस होल्ड में। इसकी जो ग्रेविड फीमेल होती है, ग्रेविड फीमेल कहते हैं वो वाली फीमेल जिसके अंदर विच इज फुल ऑफ एग्स, जिसके यूट्रस के अंदर फर्टिलाइज्ड एग्स मौजूद हो उसको ग्रेविड फीमेल बोलते हैं। वो प्री एनल पेरी एनल एरिया के अंदर जाएगा, यानी कि एनल से पहले वाले पोर्शन के अंदर वो जाएगा और वहां पे जाके फीमेल अपने एग्स को डिपॉजिट करेगी जिससे इचिंग होगी। अब इचिंग जब बच्चा करेगा तो उसके नेल्स में, उसके कपड़ों में जो एग्स हैं वो चले जाएंगे। वो अगर आपकी मुंह के अंदर चले जाते हैं तो फिर वही बात है कि फिर आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जाके वो एग्स हैच करेंगे, और एग्स हैच करने के बाद दोबारा से उसके अंदर से फोल्ड मोल्ड्स क्रिएट होती हैं और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाके वो मेट करते हैं, और मेट करने के बाद एग प्रोडक्शन शुरू होती है और फिर इस तरह से प्रॉब्लम चलती है आगे को। निकेटर अमेरिकेनस, निकेटर अमेरिकेनस ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पैरासाइट है और ये अपनी टीथ के जरिए से स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा रहता है और वहां से अपने फूड को ट्रेन करता है।
इनके लाइफ साइकिल सिंपल है क्योंकि इनका जो रिप्रोडक्शन है डेकोरेटिव होस्ट और जो बाकी ग्रोथ है वो एक ही होस्ट के अंदर हो रही है, इसलिए इनको दो होस्ट की जरूरत नहीं है। सिंपल इनके लाइफ साइकिल है एज कम्पेयर टू सेस्टोडा, इस वजह से इनको दो होस्ट की जरूरत। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि नेगेटिव अमेरिकनस जो है न्यू वर्ल्ड हुकवाम, ये के तीर है इसके जरिए से ये अपनी इंटेस्टाइन के साथ अटैच हो जाता है और ब्लड और टिश्यू के ऊपर फीड करेगा और 10,000 के करीब एग्स को ये रिलीज कर सकता है, ठीक है। और इसके अंदर जो एग्स हैं वो रेपिडाइटी फॉर्म लार्वा के अंदर ये हैच करते हैं। इन्फेक्टिव फ्लेरी वॉर्म इससे निकलता है और ये थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा है इसकी इन्फेक्टिव। अच्छा, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर ये जो थर्ड फॉर्म है इसके साथ तो ये रिलीज हो गए ना इसके एग्स। अब ये कैसे आएगा, ये स्किन को पेर्स करके हमारी बॉडी के अंदर आएगा, यानी कि स्किन के ऊपर चला गया है, उंगलियों के दरमियान जो स्किन है उसको डैमेज किया, उसके अंदर सुराख किया और हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर चला गया और फिर वहां पे जाके ये लंग्स के अंदर और लंग्स के अंदर से दोबारा ये फेरेक्स के जरिए से माउथ का इंटेस्टाइन का रास्ता ले लेते हैं और बाकी इसका जो एस्केरिस वाला जो भी लाइफ साइकिल आपने पढ़ा है वो उसी तरह का। ट्राइकिनेला स्पाइरालिस, पोकवर्म भी इसको हम बोलते हैं। अच्छा, ये इसकी रेस्टिंग स्टेज है पोक, ठीक है। पोक के स्केलेटल मसल्स के अंदर जाके ये डोरमेंट हो जाता है और जब तक इसको पोक के इस पोच को खाया नहीं जाएगा तब तक ये आगे हैच नहीं करेगा। अच्छा, इंटेस्टाइनल एडल्ट फीमेल गिव बर्थ टू द यंग लार्वे एंड यानी कि ये ओवोविविपेरस है एंड देन एंटर द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड आर कैरी टू द स्केलेटल मसल्स ऑफ द सेम होस्ट, ठीक है। उसी होस्ट के स्केलेटल मसल्स के अंदर चले जाएंगे ये और वहां पे जाके एंसिस्ट हो जाएंगे यहाँ तक कि पोक को कोई दूसरा जानवर खाए, उसके इंटेस्टाइन के अंदर जाके ये एक्टिव हो जाएंगे और फिर एक्टिव हो जाएंगे और फिर ये इसी तरह से एक बीमारी का बायस बनेंगे जिसको हम ट्राइकिनोसिस बोलते हैं, ट्राइकिनोसिस। अच्छा, अब आखिरी है यहाँ पे निकेटेड अमेरिकनस के बाद वोकेरेरिया स्पीशीज हैं। वोकेरेरिया उसको हम फ्लेरियल वर्म्स भी बोलते हैं, ये बड़े ख़तरनाक हैं और क्योंकि इनके ऊपर कोई मेडिसिन वगैरह एक्ट नहीं करती, असर नहीं करती, इसलिए ये क्रॉनिक डिजीज करते हैं। वोकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी और मलाई ये इसकी दो स्पीशीज हैं। अफ्रीका के अंदर या फिर कह लें कि ट्रॉपिक्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं लोगों को। अच्छा, अब होता क्या है कि ये एलोंगेट है, थ्रेट लाइक नेमाटोड्स हैं और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर रहते हैं और लिम्फ वेसल्स को ये ब्लॉक कर देते हैं। आपको पता है कि ये कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर जमा हो जाता है उसने उसको लिम्फेटिक सिस्टम में वापस डालना है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब जिस लिम्फेटिक डक्ट को ये ब्लॉक कर देंगे वहाँ पे उस टिश्यू को जहाँ से कलेक्ट किया जा रहा था लिम्फेटिक टिश्यू को या टिश्यू फ्लूइड को वो वापस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर नहीं जाएगा और वो उसकी स्वेलिंग होने शुरू हो जाएगी, वो फूलना शुरू हो जाएगा जैसे कि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये एलिफेंटियसिस को इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाथ पाँव जो हैं या हाथ जो हैं वो सूज के इस तरह के हो जाते हैं जैसे कि हाथी के होते हैं, ठीक है। तो अब इस कंडीशन के अंदर कलेक्टिव टिश्यू के अंदर ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। फ्लेरियल वर्म्स हैं, उन्होंने ब्लॉक कर दिया वेसल्स को और कनेक्टिव टिश्यू पेरिफेरल टिश्यू के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं और इस कंडीशन को हम एलिफेंटियसिस बोलते हैं। और अब ये जो फ्लेरियल नेमेटोड हैं ये कॉपुलेट करेंगे यहीं पर, ठीक है, और लार्वा प्रोड्यूस करेंगे जिसको माइक्रोफिलेरिया कहते हैं। ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएंगे, अब कोई जो मॉस्किटो है वो जब इस
ब्लड स्ट्रीम के अंदर से ब्लड लेगा और ये माइकोफिलेरिया उसके फूड के अंदर चलेंगे, तो जब वो किसी और को जाके काटेगा तो ये माइकोफिलेरिया उसके अंदर भी मुंतकिल हो सकते हैं और उसको ये बीमारी लगा सकते हैं एलिफेंटियासिस की। तो अगला फाइलम है हमारा निमेटोमॉर्फा। ठीक है, तो निमेटोमॉर्फा की हम जब देखते हैं तो लव्स नीमा का मतलब है थ्रेड लाइक और मॉर्फ का मतलब है फॉर्म, यानी कि इनकी ये एक्सट्रीमली लॉन्ग होते हैं, सिलेंडर होते हैं। ठीक है, इस वजह से इनको ये नाम दिया गया है। इसके नाम की एक और वजह ये है कि इनको हॉर्स हेयर वर्म्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो सिमिलैरिटी है वो हॉर्स हेयर के साथ बहुत ज्यादा मिलती है, हॉर्स टेल जो है उसके हेयर्स के साथ इसकी बहुत सिमिलैरिटी है। इनको गॉर्डियन वर्म्स भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, कॉमन नेम जिसको हम बोलते हैं। तो आगे आप इनको देखते हैं तो चूंकि ये पानी वगैरह के अंदर आपको आम तौर पे मिल जाते हैं, ठीक है, यानी कि जहाँ पे वाटर वगैरह को स्टोर किया हुआ होता है, ठीक है, तो इसलिए इसलिए इनको हॉर्स हेयर वर्म्स या फिर गॉर्डियन वर्म्स भी बोला जाता है। अडल्ट इनके फ्री लिविंग है, अडल्ट इनके बिल्कुल फ्री लिविंग है, लेकिन जो जुवेनाइल स्टेजेस हैं या लार्वल स्टेजेस हैं उनको पैरासाइट चाहिए होते हैं। ठीक है, इनके अग से निकलने के फौरन बाद उनको कोई ना कोई इंसेक्ट चाहिए या क्रस्टेशियन चाहिए जिसके अंदर वो जाएं और जाके अपनी अपनी मोल्ड को कंप्लीट करें, और फिर जैसे ही वो आज़ाद होंगे इंसेक्ट, जैसे ही वो अडल्ट होंगे, अडल्ट जैसे कोई पानी वगैरह के पास जाएगा तो फौरन से अपने आप को वहाँ से रिलीज कर लेते हैं। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट है, यानी कि डाइशियस हैं, ये डाइशियस हैं, और इनके अंदर आपको एक नर्व रिंग भी मिलता है। अच्छा, ये एक सिंपल सी तस्वीर दी हुई है, उसको छोड़ देते हैं ऐसे। अच्छा, लॉन्ग गोनेड्स हैं इनकी बॉडी के अंदर, जो पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए होते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन के बाद एग्स जो हैं वो पानी के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे, एग डिपॉजिट हो जाएंगे पानी के अंदर, स्मॉल लार्वा निकलेगा, उसके अंदर प्रोट्रूसिबल प्रोबोसिस मौजूद होगा। प्रोट्रूसिबल प्रोबोसिस यानी कि जो बॉडी से बाहर आ सकता है। ठीक है, स्पाइन जो होंगे उनके जरिए से अपने आप को अटैच कर लेता है विद द होस्ट बॉडी। ठीक है, तो होस्ट बॉडी के जरिए से अपने आप को अटैच कर लेगा और उसके बाद वो पानी के वो उसके साथ ही अटैच रहेगा यहाँ तक कि वो अडल्ट हो जाएगा, तो फिर वो रिलीज हो जाएगा। टर्मिनल स्टाइलेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन दी प्रोबोसिस। ठीक है, टर्मिनल स्टाइलेट्स यानी कि पेनिट्रेटिंग स्ट्रक्चर्स जिनको हम स्टाइलेट्स का नाम देते हैं यहाँ पे। अच्छा, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम, अच्छा ये लार्वा की बात हो रही है, लेकिन जैसे ही ये फ्री लिविंग होंगे तो इनके अंदर सारी चीजें मौजूद होंगी। ठीक है, अच्छा, वंस मैच्योर वर्म लीव इट्स होस्ट बॉडी व्हेन आर्थ्रोपोड इज नियर वाटर, यानी कि जैसे ही पानी के पास इंसेक्ट या जिसके अंदर ये मौजूद है वो जाएगा तो ये वहां से रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अगला फाइलम है, इसको हम बोलते हैं जी काइनोरिंक। 1 मिलीमीटर साइज है इनका, ठीक है, लेस देन 1 मिलीमीटर साइज है इनका। ठीक है, और बायोलेटरली सिमेट्रिकल है। बायोलेटरल सिमेट्री तो अब सबके अंदर ही मिलनी है ना हमें, आगे जितने भी फाइलम है सबके अंदर बायोलेटरल सिमेट्री है एक्सेप्ट एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, उनके अंदर आपको रेडियल या पेंटा रेडियल सिमेट्री मिलती है, बाकी सबके अंदर आपको यहाँ पे बायोलेटरल सिमेट्री ही मिलेगी। और ये जो मड और सैंड है मरीन की वहां पे आपको ये मिल जाते हैं। अच्छा, सीलिया और लोकोमोटर अपेंडिजेस इनके अंदर कोई भी नहीं है। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इनके स्ट्रक्चर के अंदर आपको ओरल स्टाइलेट मिलता है। ठीक है, ओरल स्टाइलेट जिसके जरिए से ये अपने आप को अटैच करने का काम करते हैं। ठीक है, ये ओरल कोन है जो बॉडी के अंदर भी चले जाती है और बाहर भी आ जाती है। ठीक है, इसके अंदर रिट्रैक्टर मसल्स होते हैं जिसकी वजह से ये बॉडी के अंदर चले जाती है और बाहर आ जाती है। जब ओरल कोन अंदर चली जाएगी तो ये जो स्केलेट्स हैं ये स्पाइन की तरह ये ऊपर को निकल आएंगे। ठीक है, तो स्पाइंस की तरह ये यहाँ पे महसूस होगा। इसकी बॉडी जो बॉडी की जो एक्सटेंशन हैं
दो तीन तरह की हैं। एक तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये स्केलेट्स हैं, ऊपर की तरफ स्पाइंस निकले हुए और नीचे प्लेसिड्स हैं, और प्लेसिड्स आगे मॉडिफाई हो जाते हैं, सॉरी ये स्केलेट्स हैं और ये भी आपको स्केलेट ही नजर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। लेटरल स्पाइन जो है यहाँ पे लेटरल स्पाइन आगे मॉडिफाई होके प्लेसिड भी बना लेते हैं। प्लेसिड को हम देखें तो ये बॉडी के बिल्कुल साथ जुड़े हुए स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी बॉडी के साथ जुड़े हुए स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम यूं बोलते हैं। अच्छा, अब इसकी पूरी बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं जोनाइट्स, ठीक है। हेड इसका फर्स्ट जोनाइट है, ठीक है, नेक इसका सेकंड जोनाइट है, बाकी पूरे का पूरा जो बॉडी है इसकी ये ट्रंक है, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसको हम जोनाइट बोलते हैं, ये पूरी की पूरी इसकी जो बॉडी है इसको हम जोनाइट बोलते हैं। ये यहाँ से लेके ये पूरी यहाँ से एंड तक ये सारा का सारा जोनाइट है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है जी, और ये जमीन के अंदर सुराख बना के रहते हैं। अब ये जो स्केलेट्स हैं या फिर ये जो लेटरल स्पाइंस हैं, डॉर्सल लेटरल स्पाइंस हैं, ये इसको जमीन के सुराख के अंदर एंकर करके रखने का काम करते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या करेंगे कि ये जब जमीन के अंदर गए हैं तो वहां पे पानी के मूवमेंट्स की वजह से आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो इन्होंने क्या करना है, एक ही जगह पे कायम होके रहना है, ठीक है। तो ये इस वजह से वहां पे इनको ट्रैक्शन मिलती है अपने स्पाइंस और स्केलेट्स की वजह से। अच्छा, यहाँ से 13 से 14 इनके ऊपर डेफिनेट यूनिट्स होते हैं जिनको हम जोनाइट्स बोलते हैं। ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है उसको हम इंट्रोवर्ट, यानी कि हेड को इंट्रोवर्ट भी बोलते हैं। इंट्रोवर्ट हर उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो कि बॉडी के अंदर जा सकता है, ठीक है, इसलिए हम उसको इंट्रोवर्ट बोल रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ओरल स्टाइलेट या ओरल कोन ये इसी स्ट्रक्चर से मिलके, ये हेड इन दोनों चीजों से मिलके बना है, ठीक है। अच्छा, प्लेसिड्स और स्केलेट्स के बारे में बात हो गई। हाँ जी, काइटिनियस इनकी क्यूटिकल है, टू पार्ट्स ऑफ मसल्स हैं, डॉर्सो लेटरल और डॉर्सो वेंट्रल, यानी कि वेंट्रोलेटरल, ठीक है। यानी कि डॉर्सल साइड से निकल के मसल्स वो लेटरल साइड्स में चले जाएंगे और वेंट्रल साइड से निकल के वो लेटरल साइड्स के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि डॉर्सो वेंट्रल मसल्स नहीं मिलेंगे आपको, अपर टू साइड एंड लोअर टू साइड ये मसल्स इनके अंदर आपको मिलते हैं, और इनकी स्यूडोसिलोम के अंदर अमीबॉइड सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। बाकी आप पीछे जो पढ़ के आए हैं निमेटोमॉर्फा के अंदर या फिर निमेटोड्स के अंदर, ये आपको अमीबॉइड सेल्स स्यूडोसिलोम के अंदर किसी और फाइलम के अंदर नहीं मिलेंगे, इन्हीं की ये फीचर है। प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो 11th जोनाइट के अंदर है, ठीक है, यानी कि नीचे से, ठीक है, ये तकरीबन इस जोनाइट के अंदर मौजूद होगा। अच्छा, तो ये न्यूरल रिंग जो है वो अपनी नेक रीजन के गिर्द ही इसका एक रिंग बनता है, ठीक है, और वो वेंट्रल नर्व के जरिए से, एक ही वेंट्रल नर्व है जो कि पूरी बॉडी के अंदर रन करेगी, और हर जोनाइट के ऊपर आपको एक गैंग्लियन मिल जाता है, ठीक है। कुछ स्पीशीज के अंदर आइट स्पॉट्स भी मिलते हैं, आई स्पॉट्स भी मिल जाते हैं, और उसके अलावा सेंसरी ब्रिस्टल्स भी मिल जाते हैं, सेंसरी ब्रिस्टल्स। अच्छा, सेवरल स्पाइंस हैं, कुछ इनमें से जो है वो कॉपुलेशन के अंदर यूज होते हैं और मेल गोनोपोर को सराउंड करके रखते हैं। यंग इनके ऐसे लार्वे के अंदर जो है वो हैच होंगे, ठीक है, जिनके अंदर जोनाइट्स मौजूद नहीं होते, ठीक है, जोनाइट्स इनमें मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मोल्ट चेंज होती है, मोल्ट उसकी उतरती है, नहीं चढ़ती है, तो उसके अंदर जोनाइट्स फिर अपीयर होते चले जाते हैं।
अच्छा, अब आ गया आगे फाइलम प्रायापोलिटा। प्रायापोलिटा जो है, अच्छा इसको सिंबलाइज किया जाता है पीनिस के जरिए, ठीक है, यानी कि इसकी जो शेप है वो इस तरह की आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रायापोलिटा बोला जाता है, क्योंकि ये प्राया लफ्ज जो है वो प्राया प्रायापोस ग्रीक वर्ड है, इट मीन्स गॉड ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा, तो ये स्मॉल ग्रुप है, 16 स्पीशीज है सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर, और ये कोल्ड वाटर्स के अंदर आपको ज्यादा मिलते हैं, और सैंड वगैरह के अंदर बरिड रहते हैं, और इसका साइज जो है वो इतना बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा साइज है, तकरीबन 2 मिलीमीटर से लेके 8 सेंटीमीटर तक इसका साइज चलता है। सिलेंड्रिकल बॉडी है, और इसकी ऊपर आपको ये मिलता है जी, प्रोबोसिस, ठीक है, ये इसका भी प्रोबोसिस है, रिट्रैक्टर मसल्स इनके अंदर मौजूद होते हैं जिसके जरिए से इसका प्रोबोसिस या इंट्रोवर्ट बाहर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये माउथ है, इसके जरिए से ये इसका इंट्रोवर्ट बाहर आ जाएगा। काइटिनियस क्यूटिकल है इसके अंदर, जो कि मस्कुलर बॉडी को कवर कर रही है इसके अंदर, ठीक है, जिस तरह इंसेक्ट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, नीचे मसल्स और ऊपर एक्सोस्केलेटन है, यहाँ पे भी क्यूटिकल है और नीचे मसल्स है, और इनके ऊपर आपको एनुलाय भी मिलते हैं। एनुलाय क्या है, छोटे छोटे बॉडी के ऊपर मौजूद रिजेस हैं, ठीक है, जैसे कि आपको अर्थवर्म के अंदर मिलते हैं ना एनुलाय, ये आप देख सकते हैं इधर, ये छोटे छोटे क्या है, इसके एनुलाय है, ठीक है, ये इसके एनुलाय है, यानी कि बॉडी के ऊपर मौजूद रिजेस हैं इसके। अच्छा, यहाँ पे ही आपको नर्व रिंग मिल रहा है इसके माउथ के आसपास ही, ठीक है, ये माउथ को सराउंड करने वाला एक रिंग है जो कि कनेक्टेड होता है नर्व कॉर्ड के जरिए से पूरी बॉडी के साथ, ठीक है, लिटरल सिमेट्री है इसके अंदर, और एक साइड पे ही इसका जो मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड इसके अंदर आपको मिलती है, यानी कि वेंट्रल रीजन के बिल्कुल मिडल पार्ट में आपको इनकी नर्व मिलती है। सेक्सेस सेपरेट हैं और होमोमॉर्फिक हैं, ठीक है, डायमॉर्फिक नहीं है, होमोमॉर्फिक है, यानी कि आप देख के नहीं बता सकते कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। और गोनेड्स जो हैं वो सस्पेंडेड होते हैं साइटोसोलम के अंदर, और डक्ट शेयर हो रही होती है इसकी प्रोटोनेक्टिडिया के साथ। याद रखिएगा कि हम पीछे जो पढ़ के आए हैं मेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक नेमाटोड्स के अंदर, वहां पे जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो शेयर हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है प्रायापोलिटा में वो शेयर हो रहा है विद द प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है, तो ये बन गया यूरिनो जेनिटल सिस्टम, ठीक है, मेल के ये दोनों में, मेल फीमेल दोनों के अंदर ये बात, ठीक है, तो यूरिनो जेनिटल सिस्टम जैसे कि आपको ह्यूमन बींग मैमल्स में मेल के अंदर आपको मिलता है, यूरिनो जेनिटल सिस्टम दोनों एक ही काम कर रहे होते हैं। अच्छा, एक ही सिस्टम दोनों काम कर रहा होता है। डक्ट ओपन नियर दी एनस, यानी कि ये जो डक्ट है प्रोटोनेफ्रिडिया की या फिर जेनिटल पोर, ये दोनों हमारे एनस के वो जो हमारा स्पेसिमेन है इसके एनस के पास ओपन हो रही होती है। गैमेट्स को समंदर के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी और एग्स जो हैं वो बॉटम के अंदर बैठ जाएंगे और अडल्ट के अंदर डेवलप हो जाएंगे। क्यूटिकल जो है उसकी रिपीटेडली आती जाती रहेगी, प्रायापोलस कॉर्डेटस इसका एक रेफरेंस स्पीशीज आ जाती है। अब लॉरिसिफेरन्स की बात कर लेते हैं। लॉरिसिफेरा फायरम लॉरिसिफेरा, ये लॉरी का मतलब होता है क्लॉथ इन आर्मर, ठीक है, यानी कि इसकी बॉडी के ऊपर आर्मर मौजूद होता है, इसलिए इसको हम लॉरिसिफेरा भी बोलते हैं। फेरा का मतलब टू बेयर हो गया, तो यानी कि इसके ऊपर एक आर्मर लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये बंद होते हैं, इसलिए इसको हम
लोरीसिफेरा बोलते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये लोरिकल स्पाइन है और ये लोरिका है इसकी। ठीक है, ये लेटरल प्लेट है, ये भी लेटरल प्लेट है और ये डॉर्सल प्लेट है। ये चारों तरफ से इसको इसकी लोरिका ने घिरा हुआ होता है, इसलिए इसको हम लोरीसिफेरेंस बोलते हैं। अच्छा, इनके अंदर भी इंट्रोवर्ट माउथ मौजूद है, ठीक है, जो कि अंदर बाहर आ जा सकता है। यहाँ पे लोरीसिफेरेंस का माउथ जो है वो इंट्रोवर्ट है, आगे आपको बता चुका हूँ, ये अंदर बाहर आ जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम इसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। ये आप इसके स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्केलेट, ठीक है, जैसे कि आप काइनोरिंगा के अंदर देख के आए हैं। ठीक है, और जो मिडल रीजन है इसका, इसको हम बोलते हैं थ्योरेक्स, और यहाँ पे ही स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ से निकल रहे होते हैं। ठीक है, ये लोरिकल प्लेट्स हैं, डॉर्सल और ये लिटरल प्लेट्स हैं जो इसको कवर करके रखी हैं, और इसके अलावा इनका आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिल रहा है, और लोरिका को ये अपनी बॉडी के ऊपर टाइट भी कर लेता है और लूज भी कर लेता है बाय मीन्स ऑफ लोरिकल मसल्स। ठीक है, और इस तरह से ये सारा इसका ये बन जाता है। एट ओरल स्टाइलेट्स दैट सराउंड द माउथ। ठीक है, स्टाइलेट्स, स्टाइलेट्स के बारे में हम पढ़ के आए हैं कि ये आठ ओरल स्टाइलेट्स हैं जो कि बॉडी को उसके कवर कर रहे होते हैं। लोरिकल क्यूटिकल, क्योंकि ये हार्ड है तो इसको उतारना पड़ेगा, इनको लोरिकल क्यूटिकल है, इसको उतारना पड़ेगा। इज प्रेजेंट एंड कंटेन्स अ शॉर्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, शॉर्ट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड न्यूरल रिंग दैट एनसर्कल्स द फेरिंग्स, वही वाला सेम जैसे हम ब्रायोपोडा के अंदर पढ़ के आए हैं, उसी तरह की यहाँ पे भी आपको देखने को मिलती हैं। और ये लोरीसिफेरेंस डाइशियस है, ठीक है, 22 स्पीशीज हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी बातें आ जाती हैं यहाँ पे।